कल्याणपुर की जो सेवाएं हैं इस समय लगातार बहुत अच्छे सभी जगह चल रहे हैं और कई सेंटर खुल गए, कई क्लासेस है, सब सेंटर भी हो गया, गीता पाठशाला भी हो गया, जो हमारे एरिया जितना था सब पूरा कवर हो गया है, अब कोई एरिया नहीं रह गई सेवा। तो कम समय में बहुत सी सेवाएं आगे बढ़ गई, सैकड़ों भाई बहने जाके इलाहाबाद में भी कुंभ में सेवाएं करते हैं, लखनऊ जाते हैं सेवाएं करते हैं, मथुरा जाते हैं, शाहजहानपुर जाते हैं, हरदोई जाते हैं, फरुखाबाद जाते हैं, जो जितने भी चारों और एरिया हमारा पूरा 150-200 किलोमीटर भी जा करके सेवाएं करके आते हैं। और आप जब भी देखते हैं हमेशा कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, भट्टी होती है, ट्रेनिंग्स होता है, ये सारा जो चल रहा है इसके पीछे कुछ हमारे गृहस्थ में रहने वाले भाई बहन, मैं ये नहीं कह रहा सेंटर पे रहने वाले भाई बहनों की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने तो पूरा जीवन ही समर्पित किया है तो उनको सेवा में रहना ही रहना है, लेकिन कुछ हमारे गृहस्थ में भाई बहन हैं जो परिवार के साथ रहते हैं, घर को भी संभालते हैं, लेकिन संपूर्ण तन मन धन से संपूर्ण रीति से जिम्मेदारी लेकर के हम लोगों को साथ सेवा में समय देते हैं। वो भाई बहनों के कारण ही हम बड़े बड़े कार्यक्रम करते रहते हैं, या माउंट आबू में देखो 100-100 सेवा दे जाके भी आपने समय निकाल के, वैसे तो सभी यथाशक्ति से करते हैं, बाबा के सभी विशेष बच्चे, लेकिन संपूर्ण रीति से जो आत्माएं हमको कार्यक्रम की जिम्मेदारियां लेते हैं, चाहे तन से मन से धन से उस कार्य को संपन्न करने में हमें बहुत दिल से, चाहे उनको अपने घर का भी काम छोड़ के आना पड़ता है कई बार, चाहे दिन हो रात हो, बड़े प्यार से दिल से समर्पण भाव से हमारा साथ दे रहे हैं। तो मैं उनको आप लोगों के सामने परिचय कराना चाहता हूँ, करा दें परिचय आप लोगों के सामने, करा दें, कराने के लिए अगर आप स्वीकृति दे रहे तो आप लोग ताली बजाए, थैंक यू। तो मैं सबका नाम ले लूंगा, कुछ भाई उनकी सेवा में, अमन भाई, शिवम भाई बुला लो, जो भी हमारे सेवादारी भाई बाहर है ऊपर है, तो और जो भाई बहनों को मैं नाम लेता हूँ वो सभी सामने आए, क्योंकि हम और दीदी या जो भी हमारे एक सेंटर पे रहने वाले भाई बहने हैं, हम लोगों की एक सीमा है, लेकिन सारी जिम्मेदारी निभाने में गृहस्थ में रहने वाले भाई बहन, इसलिए बाबा ने कहा गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान, वो हर तरह से त्याग करते हैं हम लोगों के साथ, अपना भी शुद्ध त्याग करते हैं, हर चीज को त्याग करते हैं, हमारे साथ लगे रहते हैं। तो आप समझ लीजिए ऐसी विशेष आत्माएं हैं जो इतना बड़ा संगठन में एक पिलर बन के खड़े हैं, और हम लोग आज विश्वास है हमें पूरी, चाहे वो स्टेट लेवल हो नेशनल लेवल हो, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम उनकी भरोसे पे हम लोग कर सकते हैं, वो विश्वास उन्होंने हमको दिलाया है, इसीलिए मैं चाहूँगा उनको सामने बुलाने के लिए, उनका मैं नाम बोलता जाऊँगा। नीलम बहन जी थोड़ा सभी भाई बहनों को बुलाए थोड़ा सा, सबसे पहले जिम्मेदारियों में से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये थोड़ा सा बंद करो, अभी ये तभी बंद करो, वैसे तो हमारे मंच पे डॉक्टर राम बाबू जी बैठे हुए हैं, बहुत ही दिन हो रात हो हमारे भाई बहने कोई भी हो, चाहे वो हेल्थ की सेवा हो, सामाजिक सेवा हो, किसी भी तरह के जिम्मेदारी सेवा हो, वो जब से जुड़े हैं तब से, चाहे वो दूर हो नज़दीक हो, हमारे साथ रहते हैं, और आज हमारे भगवती प्रसाद जी भले ही संपर्क में कल्याणपुर में जैसे ही आए, वो भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का सेवा का संकल्प लेके चल रहे हैं, लेकिन जब से बाबा से जुड़े हुए वही जिम्मेदारी लेते वो भी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने पहले उनको मंच पे बुलाया। तो हमारे बीच में यशपाल भाई जी अगर है तो आ जाए यहाँ पर, आप लोग यहीं सामने बैठ जाएं, और दिवांग भाई हैं, अक्षत भाई भी आ जाएं, आप गुलाब भाई भी आ जाएं, नीचे से लाइन पे बैठ जाएं, पैर नीचे करके बैठ जाए, अच्छा सुरेंद्र भाई नानकारी से, अच्छा विनीता बहन, प्रीति और विनीता बहन आ जाएं, शीला माता आ जाएं, शारदा बहन जी, मीरा बहन, कुसुम बहन, मीना बहन,
कुछ लोग नहीं है, कोई बात नहीं है, उनके आपके दिल के सम्मान उनको पहुंच जाएगा। और परगे से हमारे कमला माता, राधा बहन और रूबी बहन भी आ जाए सामने। अर्जुन भाई अगर आए तो अर्जुन भाई भी शायद नहीं आ पाए, रमेश भाई आ जाएं सामने, पनकी से अर्चना बहन है वो भी आ जाएं, प्रभुनाथ भाई जी सामने आ जाएं, बारह सिरों के राधा माता जी भी आ जाए सामने। एक साइड में माताएं बैठे, एक साइड में भाई लोग बैठे। शर्मिला बहन भी आ जाएं रतनपुर से, गुलाब भाई इलाहाबाद से, अजय भाई बहुत शुरू से सेवाएं करते रहे बेटे हैं, आज पनकी से शीला बहन अगर हो तो वो भी आ जाए, अमन भाई भी आ जाए इधर, फतेहपुर के मंजू बहन है जो बिटूर में सेवाएं दे रहे हैं वो भी आ जाए, जय नारायण भाई बैठे हैं पर, जय नारायण भाई बाहर हो तो आ जाए, जय नारायण भाई, राम मोहन बाबू जी भी आ जाए, रामविलास भाई, आत्मेंद्रा बहन, उमा माता, झांसी से मुकेश भाई हमारे, संतोष भाई आ जाए, मुकेश भाई आ जाए, रावतपुर की रामविलास भाई आ जाए, रावतपुर की रामविलास, ललन भाई इंदिरा नगर से बैठे हैं, बिटूर से तिवारी भाई है, विजय भाई है हमारे, पूरा बिटूर की सेवाओं में बड़े जिम्मेदारी से पहन के वहां की सेवाएं करते रहते हैं, तो मैं तिवारी भाई सबको, विजय भाई सबको बिटूर से आ जाए बस, विजय भाई चले गए, हाँ है आ जाए, ललन भाई बैठे हैं तो आ जाए। अच्छा एक 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 लाइन, अच्छा एक लाइन पीछे कर लो, अमन भाई ऊपर आ जाओ, मीरा बहन बैठे होंगे, मीरा बहन भी आ जाए, पूजा की मम्मी है, कल्याणपुर सेंटर के हो गया है, सिद्धार्थ भाई आ जाए, आगे पीछे बैठ जाए, हृदय नारायण भाई, सुखदेव भाई, अरविंद भाई, पनकी से राकेश भाई जी आ जाए, पनकी से राकेश भाई, अवधपुर से अरुण भाई बैठे हैं यहाँ पर, आ जाए, हमारे अच्छा राकेश भाई गोविंद नगर से, जो राकेश भाई अभी आप सबको ऑनलाइन पे दिखा रहे हैं, किरण बहन है हमारे कल्याणपुर सेंटर के, डॉक्टर साहब नहीं होंगे तो किरण बहन जी सामने आ जाए, आवास विकास के कल्याणपुर सेंटर की किरण बहन, गानेकर बहन जी बैठी है, किरण बहन बैठी है, आई आई गानेकर बहन जी है कहीं पंच, आ जाए bye।
फतेहगढ़ से भी हमारे पुराने किरण बहन जी हैं, वो भी आज हैं। रोशनी माता किरण बहन जी आज सामने। कभी भाई बहने नहीं आ पाए, वर्किंग डे भी रहा, लेकिन अच्छी बात है। वैसे तो सेंटर पे भी रहने वाले 30-35 भाई बहने हैं, उनको हम नहीं बुला रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, उन्होंने पूरा समर्पित जीवन दिया है। जो हमारे गृहस्थ की भाई बहन है, तन से मन से धन से दिन रात, सबसे बड़ी बात है आज्ञाकारी आत्मा है। बाबा कहते हैं ना आज्ञाकारी, कभी भी बहाना नहीं बनाएंगे, ना नहीं कहेंगे सेवा के लिए। आप 24 घंटे किसी भी समय इन लोगों को बुलाइए, पापा की सेवा में तैयार रहते हैं। मैं आदरणीय रामनाथ भाई सबसे निवेदन करता हूँ, दो सब इन लोगों की प्रति और आप सबकी प्रति शुभ संकल्प, आशीर्वाद और प्रेरणाएं हमको दे दें आदरणीय रामनाथ भाई से। सभी इन सबके लिए एक बार ओम शांति। देखो 16 भाई है, 16 कला संपन्न। देखो बाबा को भी सत्यु की स्थापना करना है तो 16 कला वाले चाहिए, एक कला से काम नहीं करेगा। तो ये सत्यु की स्थापना के विशेष भगवान के सर्वशक्तिवान शिव बाबा के मददगार, वो मददगार 16 कला संपन्न आत्माएं हैं। तो भगवान बाबा भी कितना खुश होगा, अपना तन अपना मन अपना धन मनुष्य को सहयोग, मन बहुत मनुष्य देते हैं लेकिन भगवान को सहयोग देने वाले बहुत कम। उसमें भी देख लो, महाभारत में भी सिर्फ 5 ही पांडव थे, उस 5 में भी एक अर्जुन हर प्रकार से समर्पित था। इसलिए यहां भी ये देखा हमने 16 कुमार है, 17-18 पीछे भी 2 है, 18-19 है, हाँ और भी 2-3 होंगे ना, हाँ जो नहीं है तो 8-10 और है। और माताएं भी देख लो, 14 माताएं। तो देखा शुरू में यज्ञ में 14 साल तपस्या किया, उस 14 साल से ये 14 माताएं देखो शिव बाबा के यज्ञ की सेवा कर रही है हर प्रकार से। तो ये बहुत बड़ा भाग्य है, किसको मनुष्य की सेवा नहीं करता है, भगवान को साथ देते हैं। भगवान ने आके कहा सारे कल्प में मैं आपके रक्षक होऊंगा, आपके मददगार बनूंगा। कि भगवान को जब मदद चाहिए थी, क्योंकि भगवान को अपना तन नहीं है, अपना शरीर नहीं, बच्चों के द्वारा ही इस कलियुग की दुनिया को सत्युग की दुनिया में परिवर्तन करने के लिए तो बच्चों का सहयोग चाहिए। तो किन बच्चों ने साथ दिया, ये 16 कुला भाई बैठे इधर और माताएं बैठी हैं, इन सब ने अपना संसार छोड़ा नहीं किसी ने, अपना संसार का धर्म निभाते हुए भी ईश्वर को हर प्रकार से तन मन धन से सहयोग दिया। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। गुलाब भाई को मैंने नाम लिया था, आए में जो है बाबा के सेवा में लगे हैं। अक्षय कुमार भी आए, जहाँ भी बाबा के कार्यक्रम हो प्रोग्राम हो आप लोग 2-4 किलोमीटर से आते होंगे, 200 किलोमीटर से दौड़ के आते हैं, इलाहाबाद से पहुँच जाते हैं, दिन रात बाबा की सेवाओं में लगे रहते हैं। इलाहाबाद की कितनी बड़ी महिमा है, जहाँ गंगा बहती है, प्रयाग है, वहाँ ऐसे जगह से आए हैं अक्षय कुमार। देखो कितने किसकी सेवा कर रहे हैं, इनको पूछो शिव बाबा की। किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, भगवान की सेवा में अपना तन अपना मन अपना धन से। तो भाई जी पता है, पहले बता रहे थे अपने तन मन धन से भगवान की सेवा करने वाला। मुझे याद है
बाबा ने शुरू में एक बात बताई थी, ब्रह्मा बाबा ने, जब यज्ञ में एक ऐसी परिस्थिति आई, एक भी पैसा नहीं था, 350 लोग खाना खाने वाले थे, गरीबी पार्ट आया। एक बार 14 साल के बाद जब कराची से आए, 350 महीने थे, तो एक दिन ऐसा आया, 14 साल तक बाबा ने अपने तन मन धन से सब प्रकार से सेवा किलाया कराया। मीरा बेन पीछे बैठी है, आपके नाम लिया था, आप आइए साथ में। और एक दिन ऐसा आया, एक भी चीज नहीं है खाने के लिए। तो ऐसे समय पर तो बॉम्बे से एक लिफाफा में आया पोस्ट में, उसके अंदर 1000 रुपया नोट था। तो बाबा ने कहा, खाना 12 बजे तक बनाया नहीं अभी तक, कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने कहा, मेरे बच्चे नहीं, भगवान के बच्चे कभी भी उपवास नहीं कर सकते हैं। मेरा बिना खाने के भगवान रह नहीं सकता, बच्चों को पहले खाएगा खिलाएगा फिर भगवान खाएगा। तो 12 बजे तक खाना नहीं। तो देखा 1 बजे को पोस्ट आता है, 1 बजे को पोस्ट वाला आया, पोस्टमैन, उसने लिफाफा दिया, देखा बाबा ने देखा 1000 रुपए थे। उस 1000 रुपए से बाबा ने कहा, अभी जाके अनाज लेके आओ। तब बाबा ने कहा, बाप उस बच्ची का ऋणी है। और जब बाबा बॉम्बे में था, वो बच्ची बीमार थी, बाबा को पता चला, तो बाबा फोन से उसको मुरली सुनाता था उस माता को। तब बाबा ने कहा, बाप इस बच्ची का सारे कलप में ऋणी है, भगवान को जब जरूरत थी तब उसने अपने सहयोग किया, तो भगवान सारे कलप के लिए उनका ऋणी है। तो ऐसे इनको, इन सब ने मिलकर के भगवान को मदद किया। तो भगवान इन सबको एक जन्म नहीं, एक ही जन्म साधारण, सारे कल्प के लिए तन मन धन से बंधा हुआ है। क्योंकि भगवान को सहयोग ऐसे समय पर चाहिए जिस समय कोई नहीं जानता है, कोई पहचानता भी नहीं भगवान को, ऐसे समय पर हर प्रकार के सहयोग देने वालों को आप दिल से और एक दफा जोर से ताली बजा के उनका स्वागत करें। और भाई जी कहता है कि ऐसे नहीं, आनाकानी नहीं, आज मैं बिजी हूँ, आज बीमार हूँ, नहीं, रात को भी बुलाओ, दिन में भी बुलाओ, कभी भी बुलाओ, हाँ जी करने वाले को बाबा भी बच्चों को कहता है, बाबा भगवान भी आपके ऊपर हाँ जी है, आप जो भी कहो बुजुर्ग सदा हाजिर है। इसके लिए ऐसे वफादार ईमानदार, ऐसे सदा यज्ञ स्नेही, यज्ञ रक्षक, सारे विश्व के कल्याण अर्थ, सिर्फ कल्याणपुर के अर्थ नहीं, सारे विश्व के कल्याण अर्थ सेवा करने वाले ऐसे सेवाधारियों को शिव बाबा भी, ऊपर से बाप दादा भी, इनके ऊपर कौन से फूल, गुलाब के फूल नहीं, गुलाब तो इधर ही है, कौन से फूल, सोने के फूलों से वर्षा करते हैं। तो आप भी क्या करेंगे, आप तो ताली तो बजाएंगे ना, आप क्या, हमारे हाथ में ताली और एक शक्ति है, और आप और हम मिलकर के 2 मिनट सिर्फ शिव बाबा को याद करो, बाबा ये आपके यज्ञ के रक्षक, इनको ऐसी शक्ति दे दो अंत तक ऐसे सेवा करते रहे, और हर कलप बाप भगवान को ऐसे मदद देते रहे, ऐसे आप बाबा को याद करके इनको दुआएं देना, देंगे ना सभी दुआएं, हाँ 1-2 मिनट बाबा को याद करके हरेक को दृष्टि देकर दुआएं देना। ओम शांति।
ओम शांति। सबने बाबा से शक्ति दिलाया होगा, दुआएं दी होंगी, आशीर्वाद दिए होंगे। मैं अपनी एक दिल की बात कहना चाहता हूँ। कई बार आत्माएं परमात्मा इतने प्यार करते हैं, जो ये मंच पे बैठे भाई बहने, कोई मेरे से 25 साल से सेवाएं कर रहे माताएं भाई, कोई 20 साल से, कोई 10 साल से, कोई नए, आप सोच नहीं सकते जो बाबा के सेवा में लगते हैं। कई बार इनको पैरों में सूजन आ जाता, रेस्ट नहीं मिलता, इतनी थकान होती है, लेकिन कभी भी पूरा सेवा समेट के, मैं ये कह रहा हूँ एक ही सेवा नहीं, कई सेवाएं होती हैं, अलग अलग सेवाएं होती हैं, तो हम लोगों को भरोसा रहता है ये पूरी आत्मा इसको समेट के जाता है। शुरुआत से लेकर लास्ट तक कोई संकल्प ही नहीं चलाते किसी का। सबसे अच्छी बात जैसे भाई साहब ने कहा, हाजी के अलावा आज तक इन्होंने कभी भी दूसरी बात बोला ही नहीं। आप बताइए, एक कम बात है, हम लोग लौकिक परिवार में कितनी बातें होती हैं, एक छोटा सा काम करने में विचार नहीं मिलता, क्वेश्चन पूछते हैं, रिएक्शन करते, बात नहीं मानते, इसीलिए एक बहुत विशेषताओं के कारण एक बहुत सुंदर परिवर्तन के साथ इतना बड़ा परिवार खड़ा हो जाता है। उसका नियो है हमारे भाई बहने बड़े त्याग, बहुत तपस्या। मैं आर्मी में भी रहा, आर्मी स्कूल में जब प्रिंसिपल था तो पहले ये समझते थे आर्मी में बहुत हार्ड वर्क किया जाता है, बहुत समय से किया जाता है, लेकिन बाबा के घर के सामने देखिए, जहाँ भी लोग करते होंगे, दबाव में करते हैं, प्रेशर में करते हैं, तनख्वाह के लिए करते हैं, जहाँ ना दबाव है, ना प्रेशर है, ना कोई तनख्वाह है, ना कुछ कोई चीज मिलने वाला है, कुछ भी नहीं है। ये तो पहली बार हम लोग थोड़ा सा सम्मान कर रहे हैं, परिचय करा लेते हो, 200 साल से कहा हम लोग कभी परिचय कराते नहीं। एक परिवार था, एक मन में भावना आया दीदी को, हमारे भाई बहन इतने सालों से सेवा, अभी भी 15-20 भाई बहन नहीं पहुंच पाए किसी न किसी कारण, तो खैर आप एक बार सबके लिए ताली बजाइए और भी आगे सेवा करते हैं। अच्छा, मैं हमारे बीच में आदरणीय भ्राता भगवती प्रसाद जी से भी दो सब इन लोगों के प्रति कुछ सुभावना दें तो मैं निवेदन करता हूँ। सभी आत्मिक भाइयों और बहनों, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में एक ऐसे परमात्मा ने ऐसे भाई को ज्ञान देने के लिए यहाँ भेजा। आज भी मैं सुबह 5 बजे चिंतन मन में परम आदरणीय रामनाथ भाई साहब का उद्बोधन आ रहा था। आप लोग कल्पना कीजिए कि जो डायरेक्ट शिव बाबा का ज्ञान ऐसे समय में, पूरे बचपन से लेकर के कितनी लंबी तपस्या हमारे भाई ने की और इतना बड़ा पुरुषार्थ कमाया, जो आज दुनिया में जाकर के ज्ञान दान दे रहे हैं और हम लोगों को बेकारी से, बेकारों को दूर करके शाकाहारी बना रहे हैं। हमारे प्यारे बहनें और भाइयों, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है जो आप हमारे भाई यहाँ पर जिन लोगों ने सेवाएं की हैं, हमारे भाइयों ने और हमारे बहनों ने, ये कोई आप लोग किसी ऐसे आध्यात्मिक या किसी संस्था के आप लोग सेवार्थी नहीं हैं, आप लोग डायरेक्ट शिव बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा का ये कार्य है। इसमें जिस लगन से, जिस पवित्रता से आप लोगों ने काम किया है, ये एक जन्म के लिए नहीं बल्कि हमारे भाई और बहन ये 21 जन्म के लिए तो
डबल ताजधारी आप लोग बन रहे हैं और 63 जन्म के लिए सिंगल ताजधारी राजाई पुरुषार्थ के लिए कितनी गुना आप लोग कमाई कर रहे हैं, इतना बड़ा कमाई का कोई जरिया नहीं हो सकता है। आप 84 जन्म की कमाई इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये मेरे भाई जो आज यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं और बड़े लगन से सेवा की है, और हमारे सेंटर की जो बहनें हैं उनकी जो सेवा हम लोग देखते हैं, तो हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं ऐसे भाइयों का और बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, शिव बाबा से प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों को जो लक्ष्य है कि हम लोग बाबा के पास जा करके वहां से बाबा के बगल में बैठ करके पूरे दुनिया के कल्याण के लिए शाबाश दे सकें, इतनी उच्च कोट के हम लोगों को राजयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। हमारे बीच में हृदय नारायण भाई लेट से आगे हैं, ये भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट करस्पॉन्डिंग का संभालते हैं शुरू से। बहन जी नहीं आई, हमारे कुसुम बहन जी, मीना बहन जी की तबीयत ठीक नहीं है, जिन्होंने शुरुआत से लेकर आज तक बहुत सेवाएं बढ़ाई हैं। तो हमारे यहाँ माउंट आबू का जो करस्पॉन्डिंग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, VIP की सेवाओं से लेकर के ब्राह्मणों का आना जाना, रजिस्ट्रेशन करवाना, लगातार कुछ न कुछ प्रोग्राम्स। तो बड़े प्यार से मीडिया के भी जिम्मेदारियां लेते हैं, करस्पॉन्डिंग का भी लेते हैं, पूरा हमारा आप इसका इंचार्ज समझ लीजिए। हृदय नारायण भाई आप भी मंच पे आ जाए, उनके लिए भी ताली बजाए प्लीज सर। आ गया। तो वैसे भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च पल्स रिसर्च सेंटर में सर्विस करते हैं, इसके बाद भी किसी भी समय बाबा के सेवा में तैयार रहते हैं। काफ़ी मैं समझता हूँ मेरी जो जिम्मेदारी है 80% आप निभाते हैं हमारे हृदय नारायण भाई, ताकि आप आजकल पूरा कंप्यूटर का युग है, सारा काम कंप्यूटर में होता है, लेकिन इनका कंप्यूटर जेब में चलता है साथ में। कई बार खेती में होते हैं, फील्ड में होते हैं, फार्म में होते हैं, वहीं से मधुबन से इनका कम्युनिकेशन शुरू होता है, VIP से कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है, हमसे कम्युनिकेशन शुरू हो जाते हैं, लेकिन सेवाएँ पूरा कर कह रहे हो। अभी आगे उनके लिए भी ज़ोरदार से ताली बजाएं। और मैं दीदी से भी कहते हैं सबको भी, एक इन्होंने एक पतह जीत लिया है जो सेवा का, और बहुत ही हिम्मत के सेवाओं का आगे बढ़ाया है, बड़े भावना से आगे बढ़ाया है। तो मैं भाई साहब के द्वारा उनको टोली दे दें, भाई साहब की वरदान के वरदस्तों के द्वारा, और एक एक आप लोग लाइन से आइए, आप लोग सभी भाई लोग आ जाइए एक एक लाइन से, भाई साहब से टोली ले और तिलक भी। अच्छा इधर से आ जाइए अरुण भाई, इधर से आ जाओ आप। दीदी से तिलक लगवाना, दीदी से तिलक लगा परमात्मा प्रभु से परपूर प्यार पावे, परमात्मा प्रभु से परपूर प्यार पावे, परमात्मा प्रभु से।
का और रखिए, भाई साहब के सम्मान करेंगे, ज्यादा नहीं 5-10 मिनट का और समय लेना। Thank you.